एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है स्टूडेंट एक्सचेंज सेरेमनी खत्म हुई थी और यहाँ पर सभी स्टूडेंट आ चुके थे। तभी डीन यान कहते हैं तुम्हारे स्टूडेंट सचमुच काफी अच्छे हैं और मैंने तुम्हारे स्टूडेंट से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। ये कहने के साथ ही उनके स्टूडेंट की तारीफें करने लगता है। ये सुनने के साथ ही जिंग होंगसेन काफी खुश हो चुका था। वो हंसते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे स्टूडेंट के लिए ये सही कहना चाहता हूँ, तुम्हारे स्टूडेंट भी सचमुच काफी अच्छे है और मुझे इन सभी को पढ़ाने में काफी अच्छा लगा और मैं चाहता था कि तुम्हारे स्टूडेंट हमारे अकेडमी में कुछ और समय बिताए, लेकिन अफकोर्स ये सेरेमनी खत्म हो गई इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तुम्हारे स्टूडेंट को लेकर। उसकी ये सभी बात सुनने के साथ डीन यान उससे कहता है फ्यूचर में ऐसे कई मौके मिलेंगे जहाँ पर हमारे और तुम्हारे स्टूडेंट आपस में लड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में ना सोचो। और वैसे भी कुछ समय के अंदर तुम्हारे स्टूडेंट और हमारे स्टूडेंट में फाइट होने वाली है जहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे और हमारे स्टूडेंट में कौन सबसे पावरफुल है। ये कहने के साथ ही वो दोनों काफी गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर डीन यान यू हाओ को कुछ इशारा करता है। अभी इशारे को समझने के साथ ही वो सभी अपने अकेडमी के अंदर वापस आने लगते हैं जहाँ पर एक स्टूडेंट आते हुए यू हाओ से कहता है कि उस कॉम्पिटिशन में तुम्हें देख लूंगा इसलिए यू हाओ तुम इसके लिए तैयार रहना। अब इसके रिप्लाई में यू हाओ से कहता है मैं अफकोर्स मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तभी जिंग होंगचिंग यू हाओ को रोकते हुए उससे कहता है तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अभी सुनने के साथ यू हाओ अपने डीन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर डीन भी उसे जाने का इशारा करता है। अब डीन का परमिशन मिलने के साथ ही यू हाओ होंगचेन के पास आ चुका था जहाँ पर जिंग होंगचेन उसके एक रिस्टोरिंग देते हुए उससे कहता है कुछ तो कहता है जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन अफकोर्स वो यू हाओ को डीमोटिवेट करने के लिए कुछ कह रहा होगा। उसके साथ ही हम देखते हैं जहाँ पर जिंग होंगचेन यू हाओ के शोल्डर पे थपथपा रहा था। वो उससे कहता है तुम काफी अच्छे स्टूडेंट हो। फिर जिंग होंगचेन अपने सभी स्टूडेंट से कहता है अब हमारे जाने का समय आ चुका है। ये कहने के साथ ही वो अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसके साथ ही वो सभी से कहता है एवरीवन सभी को गुड बाय। ये कहने के साथ ही वो अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी डीन मास्टर टैंग से कहता है तुम अपने सारे स्टूडेंट को यहाँ से लेकर चले जाओ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है। अभी सुनने के साथ ही मास्टर टैंग ने अपने सभी स्टूडेंट को लेकर साथ ही वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर यू हाओ और बाकी सभी लोग खड़े हुए थे। तभी यू हाओ की टीचर कहती है अभी तुम्हारा जाना वहाँ पर कैसा हुआ। अभी सुनने के साथ ही यू हाओ से कहता है वहाँ का सफर काफी अच्छा था, वहाँ पर कई सारी चीजें मेरे साथ गलत हुई तो कई सारी चीजें अच्छी भी हुई और वहाँ पर मेरे साथ जो भी हुआ था उसकी अपोलोजिस में मुझे ये स्टोरिंग दिया गया है और इस स्टोरिंग को मैंने चेक किया तो यहाँ पर कई सारे हॉप्स थे जो कि काफी कीमती है और काफी रेयर भी। अभी सुनने के साथ ही वो दोनों हैरान हो गए थे और इसके बारे में सोचने लगते हैं। तभी डीन उससे कहता है कि कोई भी माफी के रूप में इतने सब कुछ नहीं दे सकता, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इधर यू हाओ को हम देखते हैं जहाँ पर वो कुछ सोचते हुए कहता है मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूर हमारे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग चल रही है। अभी सुनने के साथ यू हाओ की टीचर उससे कहती है जरूर ऐसा होना संभव है क्योंकि ये लोग हम पे इतने मेहरबान नहीं हो सकते कि ये तुम्हें माफी के तौर पे इतने सब कुछ दे दे। फिर वो यू हाओ से कहती है तुम्हें सावधान होने की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं ये अटैक तुम पे से रिलेटेड हो और कहीं ऐसा तो नहीं कई सारे लोग तुम पे अटैक करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी सेफ्टी को फर्स्ट पे रखना चाहिए। अब ये सुनने के साथ ही डीन भी इसके बारे में सोचने लगते हैं। फिर वो यू हाओ की कंधे पे थपथपाती उससे कहता है बिल्कुल सही कहा मास्टर ने, तुम्हें अपनी सेफ्टी को फर्स्ट पे रखना चाहिए, उसके बाद ही तुम अपने दूसरे काम को अंजाम दो। और इसके साथ ही वो यू हाओ से कहता है कि इस ट्रेवल के दौरान तुम पे हमला भी हो सकता है इसलिए तुम भी सावधान रहना। फिर अगले सीन में हम रात को देखते हैं जहाँ पर वो तीनों आगे बढ़ रहे थे और उन्हें काफी गड़बड़ लग रहा था इसलिए वो तीनों आसपास देख रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन डीन को कुछ महसूस हो चुका था इसलिए वो यू हाओ से कहता है कि तुम अपने आप को केयरफुल रखना क्योंकि हम पर कभी भी हमला हो सकता है। अभी सुनने के साथ ही टीचर भी तैयार हो गई थी। फिर डीन आसमान की तरफ देखते हुए उससे कहता है अगर तुम यहाँ पर आ चुके तो तुम हमसे फाइट क्यों नहीं करते। अभी इस बात को सुनने के साथ ही हम आसमान पे देखते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके की बिजली चमक रही थी और इसके साथ ही पर्पल कलर की ऑरा आ चुकी थी और इसके साथ ही उसके बाजू में रेड कलर की थंडर भी चमक रही थी। तभी हमें पता चलता है ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जेंग पेंग है। अब ये जेंग पेंग कौन है ये इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर आपको जेंग पेंग के बारे में कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जेंग पेंग की ओरा की वजह से आसपास की एनर्जी पूरी तरह से शांत हो जाती है और यहाँ का माहौल पूरी तरह से खतरनाक हो चुका था और कह रहा होता है कि वैसे तो आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड रहेगा मुझे रिमेम्बर कर पाना, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मुझे इतनी जल्दी भूले नहीं होंगे। ये कहते हुए काफी तेज तेज से हंस रहा था। दूसरी तरफ हम डीम को देखते हैं सुखी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थे। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं उस दिन हमारे हेड ने तुम्हें जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अगर वो उस दिन तुम्हें मार देते तो तुम यहाँ पर नहीं आते, तुम सचमुच एक इविल पर्सन हो। अब ये सब सुनने के साथ ही वो कहते हैं मैं बिल्कुल एक इविल इंसान हूँ, उस दिन मिस्टर मू ने मुझे छोड़ के बहुत बड़े अच्छे काम किया था और उनका एहसान मैं चुका नहीं सकता और आज मैं इस बच्चे को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कि आज इस बच्चे को बचाने के लिए कौन आता है, मैं इस बच्चे यू हाओ को खत्म करके यहाँ से जाऊंगा, इसलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम दोनों की कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो बच्चे को छोड़कर। अभी सुनने के साथ
यू हाउ की टीचर काफी गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए वो अपने हथियार को निकालने के साथ ही उससे कहती है आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और ऐसा करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहने के साथ ही उसने अपने वेपन को निकाल लिया था। दूसरी तरफ हम उस इविल पर्सन को देखते हैं जो कि उससे काफी पेंट हो चुका था, इसलिए उससे क्या था तुम तो यू हाउ की टीचर हो लेकिन फिर भी तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, क्योंकि तुम एक स्टूडेंट की वजह से तुम अपने इतने सारे स्टूडेंट को कैसे खो सकते हो, यानी कि तुम्हारे तो इतने सारे स्टूडेंट है इसलिए अगर तुम्हारे एक स्टूडेंट कम भी हो जाएगा तो तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसने अपने चैनल से उस टीचर पे हमला कर दिया था और इसके साथ ही वो इविल पर्सन काफी एंग्री हो जाता है इसके टीचर पे। वो कहता है मैं आज तुम्हें देखो जान से मार दूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की। ये कहने के साथ ही वो काफी एंग्री दिख रहा था। इसके साथ ही उसकी नजर युवाओं पे पड़ जाती है जहाँ पर वो युवाओं को देखते हुए उससे कह रहा था कि आज तुम्हें कोई भी नहीं मरने से बचा सकता। और इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब कुछ समय के अंदर दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा।